नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई मुख्य फैसले लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जहां इस बैठक को लेकर के पीएम फेस को लेकर के हो रही थी कि आखिर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होने वाला है, इसे इंडिया गठबंधन जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी, कौन पीएम फेस होगा। आपको याद होगा कि कैसे इंडिया गठबंधन से पहले ही बिहार में नीतीश कुमार के पोस्टर जो हैं वो लग गए थे और नीतीश कुमार के पोस्टर लगाने के साथ साथ पोस्टर में ये भी लिखा गया था कि पीएम फेस सीएम हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जहां इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो इस बैठक में ममता बनर्जी और केजरीवाल के द्वारा संयोजक और पीएम फेस का नाम जो है खड़गे का नाम रख दिया गया, खड़गे को संयोजक बनाने का फैसला लिया गया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने ये तक फैसला लिया कि पीएम फेस जो है वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे होने चाहिए। कांग्रेस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें जो है संयोजक और पीएम फेस बनाने का बात जो है इस बैठक में रखी गई। तो वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर के खड़गे ने साफ कह दिया कि पहले जीत जरूरी है, जीत होने दीजिए, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये भी तय होगा, लेकिन फिलहाल जो है वो जीत हमारे लिए ज़रूरी है। और जिस जीत को लेकर के क्या कुछ तैयारियां होनी हैं, क्या कुछ डिसीजन लिए गए हैं, इस बारे में भी चलिए आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सभी दलों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है और गठबंधन को कैसे आगे बढ़ाना है इस पर निर्णय लिया गया है। देश भर में एक साथ कम से कम 8 से 10 सभाएं की जाएगी। अगर गठबंधन के सदस्य एक मंच पर नहीं आएंगे तो लोगों को गठबंधन के बारे में पता नहीं चलेगा। सभी इस पर सहमत थे। खड़गे ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर राज्य स्तर पर बातचीत होगी, अगर कोई मुद्दा उठेगा तो उसे इंडिया गठबंधन के नेता दूर करेंगे, चाहे तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या पंजाब की बात हो, सीट बंटवारे के मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। खड़गे ने ये भी कहा कि गठबंधन के घटक दलों ने एक प्रस्ताव पारित कर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने की निंदा की है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी को लड़ना होगा, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। हमने संसद में सुरक्षा उल्लंघन का मुद्दा उठाया, हम पहले से कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी को संसद में आना चाहिए था और संसद सुरक्षा चूक के मुद्दे पर लोकसभा राज्यसभा में बोलना चाहिए, लेकिन वे ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। वहीं खड़गे ने कहा कि अब पहली बार है जब देश में 141 संसद सदस्यों को निलंबित किया गया है, ये गलत है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। वहीं इसके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं और 22 दिसंबर को सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का फैसला भी लिया गया है। वहीं बता दें कि इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया अलायंस के पीएम चेहरे के रूप में प्रस्तावित किया गया। वहीं इस पर फिलहाल खड़गे ने इस बात को खारिज किया है और कहा है कि इस बारे में अभी वो कुछ भी नहीं कहेंगे, एक बार चुनाव हो जाए उसके बाद पीएम फेस को भी आगे रखा जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि पीएम कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।